हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक संस्थान। दोस्तों, सांस्कृतिक संस्थान के बारे में क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर हैं, वो हर बार पूछते हैं, और इस बार भी आप किसी भी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो जो टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं फेसबुक वाले, तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक डाली है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक से। टॉपिक है ललित कला अकादमी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका केंद्र कहाँ पर है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना दोस्तों 1954 के अंदर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला दो नंबर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के अंदर है, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। संगीत नाटक अकादमी 1953 के अंदर स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर है। लगभग जो भारतीय संस्थान हैं, सांस्कृतिक संस्थान हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं वो नई दिल्ली के अंदर ही हैं। अगला है राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय, जो नाटक विश्वविद्यालय दोस्तों वो 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर। इंडियन काउंसलिंग ऑफ कल्चर रिलेशन 1949 के अंदर स्थापना हुई थी, वो भी नई दिल्ली के अंदर। आप ये अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख भी लें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो कन्फर्म है, इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगला है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर, इसका केंद्र है। अगले जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1861 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और यह फिलहाल संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो बोर्ड है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अगले जो आपको बता दें इससे रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी भी स्थापना 1861 में हुई थी, ये फिलहाल संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये दोनों ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अभिलेखागार है, ये 1861 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन है फिलहाल। जो साहित्य अकादमी है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साहित्य अकादमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। साहित्य अकादमी है, उसकी स्थापना 1954 के अंदर की गई थी। अगला है वो है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई थी। एशियाटिक समाज 1784 के अंदर इसकी स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक समाज है, उसकी स्थापना की गई थी 1784 के अंदर विलियम जोन्स के द्वारा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, उसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और सर्वेक्षण बोर्ड है, उसकी स्थापना 1861 में है और इनकी 1961 में है। तो आप इससे याद रख सकते हैं इस तरीके से, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे जल्दी से। तो अगला है रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। रामपुर राजा पुस्तकालय रामपुरा उत्तर प्रदेश। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के अंदर है, इतना याद रखिए, पब्लिक लाइब्रेरी पटना के अंदर है। अगला है दोस्तों सेकंड लास्ट, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान 1939 के अंदर कोलकाता के अंदर है, इसका याद रखिए कोलकाता के अंदर है। वो दो है, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान और राष्ट्रीय पुस्तकालय, दोनों ही कोलकाता के अंदर है, तो इससे आप याद रख सकते हैं दोनों को साथ में। दोस्तों ये जो संस्कृति संस्थान थी, ये आपको कैसी लगी ये आप नोटबुक में भी ज़रूर लिख लें। आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उनको भी पता चले कि संस्कृति संस्थान है वो कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई थी और कितनी है। थैंक यू, धन्यवाद।